नमस्कार। अग्निवीर योजना एक ऐसी योजना बनकर रह गई है जो शायद तब तक चर्चाओं में रहेगी, या तो जब तक इसे वापस नहीं ले लिया जाए या फिर इसमें जो जरूरी बदलाव है वो नहीं कर लिए जाते हैं। देखिए, कहने को तो सरकार के नेता मंत्री, यहां तक कि खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी अभी तक यही कह रहे हैं कि यह योजना एकदम सही है और इससे सेना का, देश का और देश के युवाओं का भला होगा। लेकिन दूसरी ओर वो दबी जुबान से यह कहने की कोशिश भी कर रहे हैं कि हाँ, इस योजना में खामियां तो हैं, कमियां तो हैं, लेकिन उन्हें सुधारने के लिए या फिर इस योजना को ही वापस लेने के लिए अनाउंसमेंट करने का यह समय बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि इस समय देश में लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं और अगर ऐसे में इस योजना को लेकर कुछ भी बयानबाजी हुई तो उससे फिर भाजपा को चुनावों में, यानी सरकार को चुनावों में बड़ा नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। लेकिन देखिए, सवाल ये है कि क्या सरकार को सिर्फ नफा नुकसान अपना ही देखना चाहिए या फिर देश के नौजवानों के बारे में सोचना चाहिए, देश की जनता के बारे में, यहाँ तक कि सैनिकों के बारे में नहीं सोचना चाहिए? देखिए, आज भले ही सरकारी तंत्र या सरकारी मीडिया, सरकार के नेता मंत्री अग्निपथ योजना को भले ही अच्छा बताने के ढोल पीट रहे हों, लेकिन सच इसके परे जाकर है। कोई माने या ना माने, लेकिन यह सच पूरी तरह से सच है कि अग्निपथ योजना लागू होने के बाद से देश भर के युवाओं में सेना में जाने को लेकर जो जोश, जज्बा, जो जुनून उनमें कभी पहले देखने को मिलता था, वो बात अब इन युवाओं में देखने को बिल्कुल नहीं मिल रही है। मीडिया रिपोर्ट्स में यहां तक भी जानकारी दी जा रही है, बातें सामने आ रही है। जैसा कि द वायर ने अपनी कई रिपोर्ट में बताया है कि देश के कई राज्यों के कई क्षेत्रों में तो युवाओं का काफी हद तक सैन्य भर्तियों से मोह भंग हो गया है, अग्निपथ से मोह भंग हो गया है। युवा 4 साल के लिए सेना में जाने से अच्छा मानते हैं कि वो किसी दूसरे फील्ड की तैयारी करके एक बार में ही क्यों ना परमानेंट जॉब हासिल कर लें। और देखिए, इस योजना का असर सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि नेपाल में जो गोरखा जवानों की भर्ती भारतीय सेना में होती थी, वो भर्तियां भी अब पूरी तरह से बंद हो गई हैं। नेपाल सरकार ने यह साफ साफ कह दिया है कि हम अपने नौजवानों को 4 साल के लिए भारतीय सेना में मरने के लिए नहीं भेज सकते, अग्निवीर नहीं बना सकते। इसके बाद से नेपाली गोरखाओं की जो भर्ती है वो भारतीय सेना में पूरी तरह बंद है और अब ये नेपाली गोरखा दुश्मन देश की सेनाओं में भर्ती हो रहे हैं। भारत के लिए सरदर्द बनने वाले चीन की नजर विशेषकर इन नेपाली गोरखाओं पर बनी हुई है। तो वहीं एक रिपोर्ट में यह दावा भी किया जा रहा है कि करीब 15,000 नेपाली गोरखा रूस की ओर से यूक्रेन से युद्ध भी लड़ रहे हैं, यानी अब ये गोरखा दूसरे देशों की सेनाओं में भर्ती हो रहे हैं, जबकि पूर्व में इन गोरखाओं की भारतीय सेना में एक अलग ही पहचान थी। इनकी बहादुरी और इनके साहस के लिए ये आज भी जाने जाते हैं, लेकिन भारत सरकार शायद इस मुद्दे पर भी गंभीर नहीं है। और नतीजा क्या निकला? नतीजा ये निकला कि अब चीन, पाकिस्तान के बाद नेपाल भी भारत के लिए कुछ ना कुछ समस्या खड़ी कर सकता है और उस नेपाल ने अब चीन के नक्शा कदम पर चलते हुए अपने नोट में कुछ भारतीय क्षेत्रों को अपना हिस्सा बताने का दावा कर दिया है। देखिए, कई अन्य देशों में चली आ रही इस तरह की अग्निपथ योजना जैसी जो योजना चली आ रही है, उन्हीं की नकल करते हुए भारत में भी अग्निपथ योजना को लागू किया गया, लेकिन यहां पर स्थितियां कुछ और है और विदेशों में स्थितियां कुछ और है, इसलिए इस तरह की योजना भारत में सक्सेस नहीं है। और इसीलिए कई पूर्व सैन्य अधिकारी यह कहते आए हैं, लगातार कह रहे हैं कि यह योजना ज्यादा समय तक भारत में नहीं चल सकेगी। हालांकि इसके बारे में आभास सरकार और सरकारी तंत्र को भी होने लगा कि ऐसा हो सकता है, लेकिन वो शायद एक उचित समय का इंतजार कर रहे हैं ताकि इसको लेकर कोई सही फैसला लिया जा सके। क्योंकि देखिए, यह बात कई बड़े सैन्य अधिकारी पहले कह चुके हैं कि इस योजना में बदलाव तो सरकार को हर हाल में करने ही पड़ेंगे, अभी नहीं सही पर एक वक्त के बाद इस योजना में बदलाव हर हाल में किए जाएंगे, यह बात पूर्व सैन्य अधिकारी भी कह चुके हैं। जबकि जो युवा इसकी तैयारी कर रहे हैं उनका तो यहां तक भी कहना है कि उन्हें इस योजना में बदलाव नहीं चाहिए बल्कि वो चाहते हैं कि इस योजना को पूरी तरह रद्द करके इसे वापस कर लिया जाए और पहले जैसी सैन्य भर्ती, जो पहले की तरह परमानेंट भर्तियां सेना में होती थी, फिर से वही भर्ती प्रक्रिया लागू की जाए, अग्निपथ योजना को पूरी तरह वापस ले लिया जाए,
युवा यहां तक भी चाहते हैं। लेकिन दोस्तों देखने वाली बात यह है कि आखिर सरकार इसको लेकर इन चुनावों के बाद में क्या बड़ा फैसला लेती है, क्या सरकार सत्ता में आने के बाद अगर वापस से भाजपा की ही सरकार बनती है तो क्या सरकार इस योजना में कोई बदलाव करने वाली है, इस योजना को वापस लेने वाली है, या फिर जैसी योजना भी चल रही है इसको ऐसे चलने दिया जाएगा। ये सब बातें चुनावों के बाद में देखने को मिलेंगी। दोस्तों आप इस पूरे मामले को लेकर क्या सोचते हैं, आपकी राय भी कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।